हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग हम दोपहर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 12:30 बज रहा है। और कल या परसों हम आप लोग से जो ब्लॉग शेयर किए थे इवनिंग रूटीन, बस उसी दिन मतलब रात को लगभग 1:30-2 बजे रात को मेरा अचानक से तबीयत ख़राब हो गया था। काफ़ी ज़्यादा गैस हो गया था, मुझे चक्कर आ रहा था, उल्टी हेडेक हो रहा था। मैं इंसान को कब किया हो जाए कोई ठीक नहीं है, अचानक से कभी भी कुछ भी हो जाता है। इंसान का ज़िंदगी कोई मतलब भरोसा नहीं है, आज ही तो कल ये नहीं है, क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता रहता है। तो देखिए, मुझे रात काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था और सुबह हस्बैंड जी हमें हॉस्पिटल लेकर आए, इमरजेंसी में दिखाए तो फिर एडमिट कर लिए थे। फिर 2 बॉटल पानी चढ़ा और मेडिसिन वगैरह दिए, उसके बाद मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा डिस्चार्ज हो गया। तो वैसे हम लोग घर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा की वीकनेस लग रहा है, मुझे आँखों पूरा एकदम बैठ गया है। तब घर आ गई हूँ, आते समय देखिए नारियल पानी भी ले लिए थे, तो अभी हम बस नारियल पानी पियेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। हमको मतलब मुझे गैस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, अक्सर गैस हो जाता है, हेडेक भी होता है। तो देखिए, हम नहा धो के अब मैं अभी रेस्ट ले रही हूँ और आज कोई खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगे, अब जब बस रेस्ट लूँगी। खाना वाना मेरा ससुराल से आया था सारा खाना, उसके बाद आप लोग से मिले हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ये है सैटरडे का ब्लॉग है। तो अब तबीयत ठीक है, अभी अब ठीक लग रहा है, तब मैं उठ गई हूँ, अब तब जाऊंगी किचन में। तो पहले हम चश्मा पहन लेती हूँ, आधे मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो इसी वजह से मेरा सर में चक्कर आ रहा था और दर्द भी मेरा अक्सर होता है, ये माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो लेकिन मैं चश्मा नहीं पहनती हूँ, बहुत कम ही पहनती हूँ, तो डॉक्टर बोले आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आप चश्मा को डेली पहना कीजिए। तो बस चश्मा पहन लियो, आज से हम डेली अपना चश्मा पहनूँगी। तो देखिए, हम किचन आ गए हैं, अब किचन का थोड़ा सफाई कर लेंगे, अब बर्तन वगैरह जो है धो लेंगे। तो कल तो खाना वाना नहीं बनाए थे तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, 1-2 बर्तन है, खाली है, सबको सफाई कर लेंगे और किचन भी गैस सेल भी सब पूछ लेंगे। किचन का गैस सेल भी साफ़ है, गंदा नहीं है, क्योंकि थर्सडे को रात हम साफ़ सफाई करके सोए थे। मतलब रात में तो हम सोने से पहले किचन का पूरा सफाई कर लेते, बर्तन वर्तन सब धो ही लेते हैं, और हम तो सुबह से तो हॉस्पिटल ही चले गए थे, तो किचन वचन साफ ही है, फिर भी वह पोछ लेंगे, क्योंकि कल तो कुछ किचन में खाना वाना नहीं बना था, फिर भी पोछ लेती हूँ, पोछने के बाद ही अपना खाना फिर बनाएंगे। तो पहले देखिए, सब डब्बा वब्बा सारा इधर उधर बिखरा हुआ है। हाँ, हस्बैंड जी चाय बनाए थे कल, तो इधर उधर चीनी चाय पत्ती का डब्बा सब इधर उधर रख दिए हैं, सही जगह में नहीं रखे, तो सबको हम अपने सही जगह में रख दिए हैं, अपना काम में लग जाती हूँ, तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। सारा क्लीनिंग का काम करने के बाद, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर किचन आ गई हूँ। शनिवार है तो खिचड़ी बना रही हूँ, तो कुकर में चढ़ा देंगे खिचड़ी, तो इसमें चावल, दाल, हल्दी, नमक, हींग, टमाटर सब डाल दिए हैं और 2 आलू भी डाल दिए, चोखा भी दिए, तो एक साथ बन जाएगा, खिचड़ी भी बन जाएगा, चोखा भी बन जाएगा, इसी में बॉयल हो जाएगा आलू। इधर देखिए, अंश नहा आया है, तावर पहना खड़ा है, पीछे बोले मम्मी जल्दी से कपड़ा दीजिए, और देखिए स्कूल से आने वाला सारा कपड़े बैग सारे इधर बिखार कर रखा है, तो बैग रख दिए सर में, और इधर ड्रेस भी डाल देंगे मशीन में, यहाँ सैटरडे है धो देंगे ड्रेस, और उधर अंश को भी कपड़ा भी दे दिए पहनने के लिए। और इधर ये बर्तन जो धोए थे सुबह सारे धूप में रख दिए थे बाहर टोकरी, तो सूख गया है, तो सारा बर्तन है जो स्टैंड में, बर्तन स्टैंड में सबको अपने जगह में सबको रख देंगे।
तो देखिए बर्तन बोलते ज़्यादा नहीं था, दो ही तीन बर्तन थाली था, लेकिन और भी जो बर्तन मैंने रखा हुआ था नीचे में, मैं धोया हुआ बर्तन था, बर्तन स्टैंड में था, कल तो कोई यूज नहीं होता, सारे उस सब बर्तन को भी सब हम पानी में सब फिर से धो दिए थे, तो इसलिए ज़्यादा बर्तन हो गया है। तो सारा दे बर्तन अपना जगह में रख दिए, और ये कुछ फ्रूट से काट के अंश को दे देंगे, हम भी खा लेंगे। तो देखिए काम के साथ साथ खुद का भी मतलब सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। और इधर देखिए धनिया पत्ता है, पीस लेंगे। और इधर अंश आ गया कि मम्मा आप मुझे कौन सा ड्रेस दिए, हमको ये वाला नहीं पहनना है, हमको दूसरा दीजिए, बोलने आया है। तो फिर हम आ गए, तो देखिए इधर ये इसको ये दे दिए टी शर्ट। बोले मम्मी आप मेरी तरफ क्यों बार बार कैमरा घुमाते हैं, मेरी तरफ कैमरा मत दिखाइए, बोला। और ये देखिए ये अमरूद था, पेड़ का अमरूद है, आज सुबह तोड़े थे, तो ये पेड़ अमरूद भी सब काट लेंगे फ्रूट्स। इधर धनिया पत्ता की चटनी भी पीस लेंगे, तो इसमें टमाटर डाल दिए, कच्चा ही टमाटर डालते हैं, कभी कभी पका का भी डालते थे, आज कच्चा ही डाल दिए। देखिए फिर से किचन आ गया कि मम्मा मुझे कुछ नाश्ता दीजिए, मिक्सचर दीजिए, अभी उनको मिक्सचर खाना नहीं बेटा, ये फ्रूट्स खाना, मुझे नहीं मुझे मिक्सचर चाहिए। तो बस वो मिक्सचर लेकर गया, फ्रूट खा लो, नहीं मिक्सचर भी खाएंगे, उसके बाद फ्रूट्स खाएंगे। तो सारे फ्रूट्स काट लिए हैं, तो इधर अंश को पूछ दे दिए। देखिए खिड़की भी खोल लेते हैं, तो हम सुबह डेली चाय पीती हूँ, तो खिड़की खोल के खिड़की साइड में ही बैठ के पीती हूँ, लेकिन आज तो सुबह हम चाय नहीं पिए थे, इसलिए खिड़की भी नहीं खोले थे, तो अभी हम खिड़की खोल लिए हैं। ये तो मेरा सुबह बैठ के चाय पीने का जगह है, तो आज चाय तो नहीं पीते, तो सुबह चलो खिड़की खोल लिए, बैठ कर अभी यहाँ पर बैठ कर फ्रूट्स खा रही हूँ। इधर अंश टी वी देख रहा है, देखिए टी वी जब भी देखेगा बस टेबल सौरभ जोशी ब्लॉग देखता है, इसका सौरभ जोशी का बहुत बड़ा फैन है, सौरभ जोशी का, सौरभ जोशी इसको जब भी टी वी में देखेगा ब्लॉग बस सौरभ जोशी ब्लॉग देखना जरूरी है। देखिए मिक्सचर खा रहा है, ब्लॉग देखा है सौरभ जोशी का, देखिए साथ में भी देख लेती हूँ, कभी कभी अच्छा लगता है। सौरभ जोशी तो सबसे फेमस मतलब अच्छा ब्लॉगर है, देखिए सौरभ जोशी उसकी मम्मी को कार में बैठाया है। देखिए इधर मैं खिचड़ी, तो मेरा खिचड़ी लग गया था कप का, तो आगे खोल लिए, खिचड़ी बन गया है, और इधर इसका आलू निकाल लिए हैं खिचड़ी से, आलू निकाल लेंगे अभी, उसके बाद खिचड़ी में छौंका लगा देंगे, छौंका लग गया है, चोखा भी बना लेंगे, चटनी भी पीस ली है, पापड़ तल लेंगे। तो कुछ देर बाद अंश को भी पापड़ तल के खाने दे देंगे। वीडियो में बाय, टेक केयर।